सो गाइज, आज हम लेवा यूसी को कंप्लीट करेंगे। कल हमने प्याजे जी को कंप्लीट कर लिया था, आज किनका नंबर है? लेवा यूसी की। ठीक है, प्याजे और लेवा यूसी की इक्वली इंपॉर्टेंट है फॉर सीटेट। इनसे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन एक नहीं दो नहीं, कम से कम तीन तीन क्वेश्चन दोनों थ्योरी से आते हैं। आप अभी सैम्पल पेपर उठा के देख लीजिए, कम से कम तीनों क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन इन दोनों की थ्योरी से अलग अलग तरह से पूछे गए हैं। तो आपको इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए, और फिर आप सैंपल पेपर उठा के देखिए कि आप कितना हद तक सोल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो ये ले वायुसिकी का चेहरा है, तो आप इसे मतलब एक बार देख लीजिए, क्योंकि सीटेट में बार बार देखने को मिलेगा, तो आप वहाँ पे आसानी से इसको पहचान पाओगे। ठीक है, इन्होंने सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी दी थी। ठीक है, जो प्याजी थे उन्हीं के इन्होंने कॉग्निटिव में, जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी प्याजी ने दी थी, इन्होंने सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। तो हु वॉज लेव वाइगोत्स्की? लेव वाइगोत्स्की वॉज बोर्न इन रशिया मॉस्को इन 1896। एंड सेकेंड है, ही डाइड एट द यंग एज ऑफ 37 फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, जो टीबी की वजह से थे उनकी लेव वाइगोत्स्की की डेथ हो गई थी, बट इन्होंने इसी 37 की एज में काफ़ी हद तक अपने टास्क, जो मतलब जो इनकी थ्योरी थी, बहुत सारी थ्योरी दे चुके थे। ड्यू टू हिज अर्ली डेथ, इनकी जल्दी जो ट्यूबरक्लोसिस से जो इनकी डेथ हो गई थी, मोस्ट ऑफ हिज थ्योरी वर लेफ्ट अनडेवलप्ड। जो इनकी काफ़ी थ्योरी थी वो अनडेवलप्ड रह चुकी थी, जो जिन पर काम चल रहा था। बट जो इनकी प्रेजेंट थ्योरी है लेव वाइगोत्स्की की, सोशल इंटरेक्शन वाली या कोग्निटिव, जो इनकी या भी प्रेजेंट थ्योरी जो हम पढ़ रहे हैं, इस थ्योरी के बेस पर भी काफ़ी कंट्रीज के और वैसे इंडिया के भी इन्होंने बेस बना के इसको करिकुलम फ्रेमवर्क में इनको सेट किया, क्योंकि ये बच्चे को फ्रीडम मतलब एक सोशल इंटरेक्शन की इजाज़त देते थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, जो सोशल डेवलपमेंट थ्योरी थी ये वाली, द मेजर थीम ऑफ वाइगोत्स्की की थियोरटिकल फ्रेमवर्क इज दैट सोशल इंटरेक्शन प्ले एन फंडामेंटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन। जो द मेजर थीम ऑफ वाइगोत्स्की की थियोरटिकल फ्रेमवर्क इज दैट सोशल इंटरेक्शन, जो सोशल इंटरेक्शन होता है, मतलब आप समाज में रहते होंगे सब, जो सोशल इंटरेक्शन होता है, तो उसमें क्या होता है कि आप अपनी एक लैंग्वेज होती है, आपको उससे इंटरेक्ट करते हो और नॉलेज गेन या नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, आप उसको लेते हो नॉलेज को, या किसी को आप नॉलेज देते हो, एक वो चलता रहता है इंटरेक्शन में। सोशल इंटरेक्शन जो होता है ये अफेक्ट करता है एक इंडिविजुअल के लर्निंग प्रोसेस को। अब सपोज़ आप एक सोसाइटी में रहते हो या आप एक नेबरहुड में रहते हो, ठीक है, तो अब यहाँ पे अलग अलग तरीके के बच्चे देखते होंगे। ठीक है, हर किसी का सीखने का स्टाइल अलग है, हर किसी का लर्निंग प्रोसेस अलग है, वो सो इंटरेक्शन ही मतलब एक सोशल इन्वायरमेंट है, उसको अफेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रिएट कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस अपॉन द इंडिविजुअल। जो मतलब उनकी कॉन्शियसनेस है और अवेयरनेस है, वो इन्वायरमेंटल या एक सोशल इंटरेक्शन के थ्रू ही अफेक्ट होती है। He believed that the social interaction of the child engaged in help them to both discover and create meaning from the things that they discover. जैसे बच्चे ने किस चीज़ को सीखा, ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग ही अपना एक परसेप्शन बनाएंगे, उसको अपने तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, एक अपना जिसको कहते हैं ना मीनिंगफुल लर्निंग, वो उसमें एक अपना मीनिंग सेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुछ इनके मेजर थीम्स थी जो इनकी थ्योरी है, उन मेजर थीम्स की फर्स्ट है, द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन कोऑर्डिनेटिव डेवलपमेंट। जो सोशल इंटरेक्शन मतलब आप हम पीयर ग्रुप में बातचीत या फ्रेंड सर्कल में जो बातचीत है, सोशल इंटरेक्शन वही होता है बेसिकली, वो हमारे सोशल जो हमारा जो है कोऑर्डिनेटिव डेवलपमेंट को कहाँ तक अफेक्ट करता है, या किस हद तक उसको हम सोशल इंटरेक्शन हमारी कोऑर्डिनेटिव डेवलपमेंट में हेल्पफुल है। सेकेंड है, मोर नॉलेजेबल अदर, MKO। फोर्थ है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एंड फोर्थ है, स्क्रैप फोल्डिंग। ये चारों इसमें पॉइंट है जिनके बेसिस पे इन्होंने अपनी थ्योरी दी है, इन चारों को हम इसमें कवर करेंगे। सो आगे बढ़ते हैं, इसमें मैम को आपको ये चारों एक बार पॉइंट बता देता हूँ। हमने फर्स्ट तो देख लिया ना सोशल रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन, कि कैसे हम अगर नेबरहुड में हमारा इंटरेक्शन होगा
कैसे हमारी लर्निंग को अफेक्ट करेगा। सेकंड है मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर में होता है कि तुम अब एक बच्चा है ये, ठीक है, इसको ये काम सपोज करो ये चीज़ों को सीक्वेंस में लगा लेता है, ऐसे सीक्वेंस में लगा लेता है, बट इसको साइज़ मतलब इनकी साइज़ या इनके कलर के बेसिस पे इनको करना नहीं आता। सो एक मोर नॉलेजेबल अदर, इनको एक ऐसे गाइड या एक हेल्प की ज़रूरत है जो इनको समझाए, एक बार समझा दे फिर बच्चा उसको खुद ही कर ले। उसमें आते हैं मोर नॉलेजेबल अदर, उसमें हमारे टीचर, पेरेंट, हमारे फ्रेंड सर्किल या हमारे कोई बड़े जो हमारे घर में हो वो हो सकते हैं, ठीक है। जोन ऑफ प्रोक्सीमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रोक्सीमल डेवलपमेंट, अभी हमने देखा कि अगर बच्चा उसको कलर के आधार पर नहीं लगा पा रहा है तो जोन ऑफ प्रोक्सीमल डेवलपमेंट की एक ऐसा ये जोन है कि बच्चे ने यहाँ तो सीरियल में तो लगा लिया लेकिन कलर के बेसिस पे नहीं कर पा रहा है, तो क्या करेंगे कि एम के ओ हेल्प करेगा जोन ऑफ प्रोक्सीमल डेवलपमेंट। ये कर सकता है बच्चे, इस जोन में कर सकता है, लेकिन एम के ओ की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, ठीक है। स्क्रैप फोल्डिंग, स्क्रैप फोल्डिंग प्रोसेस होता है कि जो जो बच्चा कर सकता है इनिशियल स्टेज से जेड पी डी में लाने के लिए जो प्रोसेस होता है, स्क्रैप फोल्ड होता है, जो उसको समझाने का तरीका होता है वो स्क्रैप फोल्डिंग होता है, कि मतलब बच्चे की दिमाग की तह खोलना है, उसको एक कहते हैं मचान या ढांचा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट, द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट लैंग्वेज। जो लैंग्वेज है वो हमारे किस उसमें सोशल इंटरेक्शन में कैसे रोल प्ले करता है। लैंग्वेज प्ले ए सेंट्रल रोल इन द मेंटल डेवलपमेंट, ऑफकोर्स मैं बताता हूँ कैसे। सपोज अब ये टीचर है, यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, तो अगर भाई टीचर के पास कोई लैंग्वेज नहीं होगी, कोई बोलने का माध्यम ही नहीं होगा, नॉलेज देने का तरीका ही नहीं होगा, तो बच्चे कैसे समझ पाएंगे। अब यहाँ पे देखा मेंटल डेवलप, मेंटल डेवलपमेंट तभी होता है ना जब बच्चा कुछ सीखता है, जब यहाँ पे उसने कुछ सीखा ही नहीं है तो कहाँ से उसका मेंटल डेवलपमेंट हो जाएगा। तो बात सही है, लैंग्वेज प्ले एन सेंट्रल रोल इन द मेंटल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, लैंग्वेज इज द मेन मीन बाय विच अडल्ट ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन टू चिल्ड्रन। अडल्ट में यहाँ हमने देखा कि जो हमारे टीचर है वो एक बेसिकली अडल्ट है ना, और जो बच्चे बैठे वो चिल्ड्रन है। सेम पॉइंट यहाँ, सेम एग्जांपल यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है कि जो अडल्ट होते हैं उनको ट्रांसमिट करने का एक माध्यम होता है, ठीक है। लैंग्वेज इट्सेल्फ बिकम अ वेरी पावरफुल टूल ऑफ इंटेलेक्चुअल एडेप्टेशन, ठीक है। जो हमारी लैंग्वेज भी इन्होंने तीन तरह की लैंग्वेज स्पीच की बात की है, तो हमारा एक वेरी पावरफुल टूल होता है कि हम इंटेलेक्चुअली अडेप्ट कर ले चीज़ों को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लैंग्वेज जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें कैसे हेल्पफुल होता है। ऊपर मेंटल देगा, नीचे हम कॉग्निटिव देखते हैं। हमारा कॉग्निटिव होता है कि हम मेंटल बेसिकली एक मेजर कर लेते हैं, लेकिन कॉग्निटिव मतलब खुद को एक तरह से मतलब कितना लेवल तक सोच पा रहे हैं, प्रेजेंट ना कर पाओ लेकिन सोच पा रहे। इसमें वाइगोसी की बिलीव दैट लैंग्वेज वाज द मोस्ट पावरफुल टूल दैट ह्यूमन कुड यूटिलाइज। एक जो बिलीव करते हैं जो वाइगोसी की है कि लैंग्वेज वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल दैट ह्यूमन कुड यूटिलाइज। सेकंड, वाइगोसी की बिलीव दैट देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज एज आउटलाइंड बिलो। इन्होंने तीन तरह की लैंग्वेज के बारे में बात किया। फर्स्ट है सोशल स्पीच, जो हम बेसिकली अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, कि किसी से बातचीत करना, वो सारी चीज़ें हमारी सोशल स्पीच में आ जाती है। इसमें पढ़ लेते हैं हम क्या लिखा है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन दैट पीपल यूज टू टॉक विद अदर पीपल्स। बेसिकली ये एज टू तक ही होता है इनको, आप या तो इन तीन तरह की स्पीच को अपने नोटबुक में कहीं लिख लीजिए, ये स्पीच है, ठीक है। सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच एंड इनर साइलेंट स्पीच, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। सोशल स्पीच बेसिकली दो ईयर तक बच्चा मतलब अगर उसे कुछ भी कहना हो, एक मतलब अपने मुंह में उसको जबान पे रखेगा, बाहर बोल देगा, उसको मतलब उसमें आवाज़, एक्सप्रेशन सब होंगे, इमोशंस होंगे। लेकिन प्राइवेट स्पीच आ जाती है एज थ्री के बाद। इंटरनल कम्युनिकेशन दैट पर्सन डायरेक्ट और देमसेल्फ इट सर्व एन इंटेलेक्चुअल फंक्शन। प्राइवेट स्पीच में तुम मतलब किसी के साथ सोशल इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम अपने खुद को ही गाइड कर रहे हो आवाज़ के साथ। मतलब अगर आप कोई टास्क करके आते हो, ठीक है, आपने उसको कोई मॉडिफिकेशन उसमें करनी हो, आप खुद को आकर उसमें गाइड करोगे। एज थ्री तक है, एज थ्री तक है, आप उसमें खुद को आकर गाइड करोगे, अरे यार मैंने ऐसे कर दिया, आप उसमें बोल रहे हो, खुद को गाइड कर रहे हो बोल बोल के, ठीक है। ये आगे मतलब हम आप भी कर लेते होंगे कभी कभी, इसमें आप बोल बोल के खुद को ही गाइड करोगे, यार मुझे वहाँ नहीं उधर जाना चाहिए था, मतलब खुद ही आ जाती है, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं होती, खुद ही एक अंदर से आपका जो डेवलपमेंट है उसका इफेक्ट होता है, ठीक है।
तो आप इसे मतलब खुद को ये सेल्फ गाइडेंस कह सकते हैं हम। नेक्स्ट बढ़ते साइलेंट इनर स्पीच। साइलेंट इनर स्पीच में हम कहते हैं कि बच्चा बोले बिना, बोलेगा नहीं, एज 7 की बात है, एज 7, ठीक है, बच्चा बिना बोले ही मतलब खुद, जैसे अभी आप यहाँ पे बात कर रहे थे ना खुद से, बिना बोले ही खुद से बात करेगा, उसमें बाहर आवाज़ नहीं आएगी, नो ऑडियो, ठीक है, बाहर उसमें आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन तुम खुद को ही प्राइवेटली खुद को ही गाइड कर रहे होंगे इस चीज़ में, ठीक है। ये है प्राइवेट स्पीच डिमिनिशाइज द ऑडिबिलिटी अनटिल इट बिकम ए सेल्फ रेगुलेटिंग फंक्शन, एज 7 तक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अब देखिए यहाँ पे हमारा कौन सा प्रोसेस फॉलो हो रहा है, टीचर रोल का है, रोल टीचर का रोल क्या है, फैसिलिटेटर का, बच्चे उसने टीचर को बच्चे को फैसिलिटेट किया, मतलब उनको उसने उन्हें बताया, हेल्प की, छोटी सी हेल्प की, MQO भी होते टीचर, इन्होंने मोर नॉलेजेबल आता है बच्चों को, इन्होंने कुछ बताया और बच्चा उस जोन तक पहुंच गया जहाँ पे वो बिना हेल्प के नहीं जा रहा था, जोन ऑफ प्रोक्सीमल डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर में हम जिनको हमसे ज़्यादा नॉलेज होती है, द मोर नॉलेजेबल द MQO इज एनी पर्सन हु हैज़ ए हायर लेवल एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग दैट द लर्नर इन सर्टेन टॉपिक। आपसे एक टॉपिक या एक फील्ड के बारे में कोई अधिक जिसको अधिक नॉलेज हो, अधिक जानकारी हो, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। तो जैसे आप सपोज़ एक फिफ्थ क्लास का बच्चा है, उसके पेरेंट्स उसको होमवर्क कराते घर पे, वो उसके लिए क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर है। चिल्ड्रन आपका पीयर ग्रुप या आपके जो सहपाठी है, उनको आपसे कुछ ज़्यादा नॉलेज है, कहीं ज़्यादा नॉलेज है, किसी टॉपिक में ज़्यादा नॉलेज है, तो उस टॉपिक के लिए वो आपके लिए क्या हो जाएंगे, मोर नॉलेजेबल अदर। कोई कोचिज हो जाएंगे, PTI हो जाएंगे, पीयर्स ग्रुप हो जाएगा हमारा, वीडियोज़ हो जाएगी, हमारे टीचर्स हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो जाएंगे, ठीक है, जिनसे भी हमें नॉलेज मिल जाए वो हमारे लिए मोर नॉलेजेबल अदर हो जाएंगे। अभी हम नोट पढ़ लेते हैं, नोट में क्या दिया गया। नॉर्मली व्हेन वी थिंक एज एन MQO वी रेफर टू द ओल्डर पर्सन। जब भी हम MQO की बात करते हैं हमें लगता है कि मतलब वो हमसे बड़े बड़े आदमी होंगे जिनको हमसे ज़्यादा नॉलेज होगी, ऐसा नहीं है। द टीचर और एन एक्सपर्ट, मतलब हमसे बड़े और टीचर और एक्सपर्ट ही हो गए। द ट्रेडिशनल MQO इज एन ओल्डेस्ट पर्सन, हाउएवर MQO कुड ऑल्सो बी रेफर आवर फ्रेंड्स यंगस्टर पीपल एंड वेन एंड इवन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक कंप्यूटर एंड सेलफोन फॉर स्टेंस वेन लर्न हाउ टू स्केच बिकॉज। अब समझिए, अब जो हमारे MQO का मोर नॉलेजेबल अदर का सिंपली मीनिंग ये नहीं है कि हमसे बड़े होंगे हमारे टीचर या हमारे गेस्ट या कोई हमारे पेरेंट ही होंगे या कोई हमारे जो एक्सपर्ट है वही होंगे। मोर नॉलेजेबल अदर का सिंपल यहाँ पे मीनिंग है कि जो तुम्हें किसी भी फील्ड में किसी कैसी भी नॉलेज दे, वो जो तुमसे ज़्यादा जानता हो वो मोर नॉलेजेबल अदर होते हैं। इसमें हमारे फ्रेंड्स आ सकते हैं, यंगस्टर पीपल आ सकते हैं, जो हमसे छोटे भी अगर हमें नॉलेज दे रहे हैं वो भी हमारे लिए मोर नॉलेजेबल अदर होंगे। कंप्यूटर भी आ सकते हैं, सेलफोन भी आ सकते हैं, इसमें हर कुछ आ सकता है। सपोज आपकी छोटी बहन है और आपसे ड्राइंग नहीं आती, उसने आपको ड्राइंग करना सिखा दिया, वो भी आपके लिए मोर नॉलेजेबल अदर होगी, समझ रहे हो। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, जोन ऑफ प्रोक्सीमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रोक्सीमल डेवलपमेंट है द जोन ऑफ प्रोक्सीमल डेवलपमेंट इज द एरिया ऑफ लर्निंग दैट ए मोर नॉलेजेबल अदर MQO असिस्ट द स्टूडेंट इन डेवलपिंग द हायर लेवल ऑफ लर्निंग। इन्होंने कहा कि जो जोन ऑफ प्रोक्सीमल डेवलपमेंट है, सपोज ये हमारा एक, इसमें बच्चे इस जो इतना एक ये हमने सर्कल बनाया है, जो भी बनाया एक एरिया, इस एरिया के बच्चा सारे काम कर लेता है, ये भी वाला काम, ये वाला भी काम, ये वाला काम, जो इसकी लाइन पे भी लाई करता है वो भी कर लेता है, बट इस लाइन के बाहर जो काम लाई करते हैं उनको बच्चा नहीं कर पाता, उसको हेल्प की ज़रूरत होती है। तो जो जो जोन बना ना उसके सर्कल का बाहर का, वो जोन ऑफ प्रोक्सीमल डेवलपमेंट है। बच्चे को उस जोन में जाने के लिए हेल्प चाहिए किसी की, समझ रहे हो, उस जोन में जाने के लिए बच्चे को क्या चाहिए, हेल्प चाहिए किसी की। सो नेक्स्ट है द गोल इज द बिहेवियर ऑफ फैसिलिटेटर MQO इज लेस इन्वॉल्व इन द स्टूडेंट डेवलप द नेसेसिटी स्किल्स। जो MQO है, उन्हें कम हेल्प देनी चाहिए, मतलब ये नहीं कि बच्चा ज़्यादा एफर्ट लगाए, कम एफर्ट लगाए और तुम ज़्यादा लगा दो,
बच्चे को ज़्यादा एफर्ट लगाने दो उस एम उस गोल उस जोन में जाने के लिए, तुम कम एफर्ट लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की डिस्क्राइब इट एज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल एंड डिटरमाइंड बाय द इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड द लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट एज डिटरमाइंड थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग अंडर एडल्ट गाइडेंस और इन कोलेबोरेशन विद द मोर कैपेबल पीयर, ठीक है। जो ये होता है ना, जो ZPD होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसमें उन्होंने बताया कि जो एक्चुअल डिस्टेंस, मतलब अगर तुम, इन्होंने बेसिकली ये फंडा बताया है कि ये तुम्हारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, ये वाला जोन तुम्हारा, ये वाला जोन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो तुम इसमें काम सारे कर लेते हो, जो भी इसमें काम आया तुम उसको फटाफट से सॉल्व कर लोगे बिना किसी की हेल्प के। बट इसमें जाने के लिए तुम्हें पीयर ग्रुप, टीचर या और किसी की हेल्प होगी। अब ये पढ़ के देखिए, वट कैन आई डू विद हेल्प, वट कॉन्ट आई डू, वट कैन आई डू इसमें आएगा, वट कैन आई डू विद हेल्प जो मैं हेल्प से कर सकता हूँ इसमें आएगा, और जो मैं कर नहीं सकता वो उस जोन के बाहर ही आएगा, जो हमारी मतलब बाहर है, हमारे उससे हमारी पहुँच से बाहर है, तो उस काम को तो हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पे टीचर का रोल बताया गया कि सपोज आपको यहाँ पे प्रोग्रेसिव एजुकेशन के टीचर है, जो फैसिलिटेटर बोलते हैं ना, तो आजकल टीचर का रोल है कि बच्चे को, अगर बच्चे को एप्पल तोड़ना है, टारगेट है बच्चे का एप्पल तोड़ना, और टीचर भी ये चाहता है कि बच्चा भी एप्पल तोड़े, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले बच्चे को ऐसा गाइड करना है, बच्चे को ऐसी नॉलेज देनी है कि बच्चे को, ये नहीं कि तुम यहाँ से बच्चे को उठाया, सपोज बच्चा यहाँ है, यहाँ से तुमने उठाया उसको उठा के पेड़ पे चढ़ा दिया, ले वे तोड़ के लिए एप्पल, जो इतने तोड़ने एक टाइम, बस तुमने उसे हेल्प कर दी, वो हेल्प कर ली उसको, उसने तोड़ लिया एप्पल, नीचे आ गया, दोबारा वो तोड़ ही नहीं सकता। बच्चे को ऐसा हेल्प करो ना कि उसको फ्यूचर में भी वो काम आए, समझ लो। बच्चे को आपने एक स्टूल या एक पैड ला के दे दिया, ठीक है, यहाँ से जाके तुम एप्पल तोड़ लो। अब अगर बच्चा नेक्स्ट टाइम उसके एप्पल की ज़रूरत होगी तो स्टूल ही रखेगा ना, स्टूल रख के दोबारा तोड़ेगा। अब बार बार ये तो होनी कि आप यहाँ पे उसको चढ़ाने आओगे फिर उतारने आओगे, समझ लो। बच्चे को सेल्फ इंडिपेंडेंट और जो है तो ना प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है, बेसिकली टीचर का रोल होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अब ये हमारे उन्होंने जो दिया था ना, जो चाइल्ड्स करंट अचीवमेंट, जो चाइल्ड इस जो आपका ये है ना, इसमें हर टास्क को कंप्लीट कर लेगा ग्रीन वाले जोन में, बट जो आपका ये ऑरेंज वाला जोन है, इसमें चाहिए बच्चे को हेल्प, इस जोन में चाहिए बच्चे को हेल्प, और इस जोन में जाने के लिए तो बच्चे को मतलब उसका पॉसिबल ही नहीं है, मतलब इस लेवल का भी बच्चा हुआ ही नहीं है कि उस जोन में जा पाए, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, ओरिजिन ऑफ ZPD। ओरिजिन ऑफ ZPD, ही बिलीव दैट चिल्ड्रन वुड नॉट एडवांस वेरी फार इफ दे वर लेफ्ट टू डिस्कवर एवरीथिंग ऑन देयर ओन। अगर बच्चे, मतलब हमने ग्रीन वाले जोन में, ग्रीन वाला जोन याद करो, ये वाला जोन, इस गुरु इसमें बच्चे सब कर लेते हैं। अब देखिए, पढ़िए इसको ढंग से, ही बिलीव दैट चिल्ड्रन वुड नॉट एडवांस, अगर बच्चे को आप उसी जोन में घुमाते रहेंगे तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल या आगे सीखने की कैपेबिलिटी नहीं बढ़ेगी, मतलब वो आगे सीखने उसको नहीं आएगा। सो इफ दे वर लेफ्ट टू डिस्कवर एवरीथिंग ऑन देयर ओन, वो खुद से कुछ करना छोड़ देते हैं। वाइगोत्स्की नोटेड द गुड टीचर, गुड टीचर वही होता है वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग, जो बच्चों को थोड़ा एक ऐसा टास्क दे जो हेल्प के, उसकी हेल्प करने से वो कंप्लीट किया जा सके, ठीक है। उसको ऐसे क्वेश्चंस देना या ऐसा कोई एक्टिविटी कराना कि उसे हेल्प की ज़रूरत हो और उसको नया कुछ सीखे उस एक्टिविटी में, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, जो ये बेसिकली ऊपर का ये इसका एक जो है नोट दिया गया, ये कटा हुआ भी, इसमें समझ नहीं आएगा, ठीक है। ये बढ़ते, ये एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है। इसमें देखिए, ये टीचर है, सपोज ये जो हमारा ट्रेडिशनल वे है, ये टीचर है और इसकी क्लास है, इसकी क्लास में हाथी, मछली, बंदर और डक, ये अलग अलग तरह के अलग अलग कैपेबिलिटी के बच्चे बैठे हैं, लेकिन जो टीचर है वो कह रहा है कि तुम सब जो पेड़ पे जल्दी चढ़ेगा वही जीतेगा। अब टीचर यहाँ पे मतलब रूढ़िवादी सा फॉलो कर रहा है कि मतलब सबके लिए सेम असेसमेंट, सेम इवेल्यूएशन, बट यहाँ पे आपको सबकी अलग अलग कैपेबिलिटी है ना। बंदर को देखिए, बंदर पेड़ पे जल्दी चढ़ जाएगा, लेकिन आप फिश को कैसे चढ़ाओगे, हाथी को कैसे चढ़ाओगे, डक को ऊपर कैसे चढ़ाओगे, समझ रहे हो।
तो हर किसी की कैपेबिलिटी अलग अलग है। तो वाई योशिकी ने भी इस पर फोकस किया कि बच्चे की जो अलग अलग सीखने की क्षमता है, अलग अलग बच्चे को अलग अलग फैसिलिटी या अलग अलग हेल्प की ज़रूरत है, तो उनको उसी फील्ड में काम करने के लिए कहा जाए। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल सेट किया वाई योशिकी ने। इसका फोल्डिंग बेसिकली एक प्रोसेस होता है, जब आप अपने ग्रीन वाले जोन में होते, ग्रीन से आपको ऑरेंज में जाना है। हमारा ग्रीन वाला जोन का है ये रहा, आपको इस ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन में जाना है। तो आपको ऑरेंज जोन में जाने के लिए क्या, स्क्रैप फोल्डिंग करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। स्क्रैप फोल्ड करोगे आप, मतलब बच्चों को एक तरह का प्रोसेस है, हेल्प करोगे जिससे बच्चा एक तरीका समझ जाएगा करने का। प्रोसेस है स्क्रैप फोल्डिंग, बच्चों की तय खोलना है, नॉलेज को उनका अवेयर करना। इसमें व्हाट चिल्ड्रन कैन डू इन कोऑपरेशन टुडे, जो बच्चा आज सहायता से कर रहा है, किसी की हेल्प से कर रहा है, ही कैन डू इट अलोन टुमारो, वो फ्यूचर में या कल उसको बिना किसी की हेल्प के कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, जो इनको दिया गया है, जो स्क्रैप फोल्डिंग है, जो MQO स्क्रैप फोल्डिंग प्रोवाइड कराते हैं, इट प्रोवाइड सपोर्ट, स्क्रैप फोल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। इट फंक्शंस एज टूल, जो टूल का एक तरीका, मतलब टूल की तरह यूज़ करता है, फंक्शन है उसका। नेक्स्ट है इट एक्सटेंड द रेंज ऑफ वर्कर। नेक्स्ट है इट अलाउ अकम्पलिश द टास्क, और जो मतलब टास्क होता है उसको समझने या उसको कंप्लीट करने में हेल्प करता है। इट इज़ यूज सेलेक्टिवली, मतलब एक सेलेक्टिव तरीके से यूज किया जाएगा, बच्चों को पहले समझा जाएगा कि कहाँ उसको परेशानी है, कहाँ उसको स्क्रैप फोल्ड की ज़रूरत है, तो उसी तरह से उसको प्रोवाइड किया जाएगा वो। तो यहाँ पे स्क्रैप फोल्डिंग के उन्होंने कुछ अलग अलग तरीके से उनको डिफाइन किया है। वाई योशिकी डिफाइन स्क्रैप फोल्डिंग इंस्ट्रक्शन एज द रोल ऑफ टीचर एंड अदर इन सपोर्टिंग द लर्नर डेवलपमेंट एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट स्ट्रक्चर टू गेट दैट नेक्स्ट स्टेज और लेवल। बच्चों को इस तरह से स्क्रैप फोल्ड करना है कि वो नेक्स्ट लेवल अप्रोच करे या नेक्स्ट स्टेज को अचीव करे। ठीक है, एक टीचर प्रोवाइड स्क्रैप फोल्ड सो दैट द लर्नर कैन अकम्पलिश सर्टेन टास्क दैट दे वुड अदरवाइज नॉट एबल टू अकम्पलिश ऑन देयर अवन। ठीक है, जो बच्चे खुद से टास्क नहीं कर पा रहे या उसको थोड़ी सी हेल्प करनी, मतलब वहाँ पे स्क्रैप फोल्ड की ज़रूरत है। वैसे बेफालतू में बच्चों के साथ चिपके रहने की ज़रूरत नहीं कि तुम उसके साथ हमेशा ही उसकी हेल्प करते रहो, बच्चे को खुद करने दिए। द गोल ऑफ द एजुकेटर इज द स्टूडेंट टू बिकम एन इंडिपेंडेंट लर्नर एंड प्रॉब्लम। जो आज की शिक्षा का गोल होना चाहिए, बच्चे को एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना चाहिए। द गोल ऑफ एजुकेटर, जो टीचर है या MQO है हमारे, उनका गोल होना चाहिए कि बच्चा एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाए। ठीक है, ये हर्ट मैन ने बोला था। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, अभी हमने देखो क्या है ना कि ये हमारे लिए MQO, ये MQO होंगे, ये बच्चा होगा, ये इस जोन के सारे टास्क कर लेगा अभी, लेकिन इसको जोन ऑफ प्रोक्सीमल डेवलपमेंट में जाना है। इसके लिए उसको इनकी ज़रूरत है, मतलब अगर ये उसको थोड़ा हाथ देंगे, उसको थोड़ा सहायता करेंगे तो बच्चा आ जाएगा। इस सहायता देने को क्या कहेंगे, स्क्रैप फोल्ड करना, समझ लो, स्क्रैप फोल्डिंग करना। बच्चे को अपने सहायता देके इस जोन में किया, बच्चे ने आके काम कंप्लीट किया जो उसका टास्क था, अब बच्चा आने वाले फ्यूचर में उसको खुद ही कर लेगा। इसमें लिखा था टास्क नॉट येट इन द लर्नर्स, ठीक है, रिपरेटरी ऑफ एबिलिटीज, समझ लो, टास्क एट द लिमिट ऑफ द लर्नर्स एबिलिटी। इसमें अभी बच्चा जो ये है ना, यहाँ पे इंट्रैक्शन, ये इंट्रैक्शन की फेज़ है, बच्चा यहाँ पे मतलब MQO से इंट्रैक्ट करेगा, उनसे कुछ सीखेगा। लेकिन अब जब आपको इंट्रैक्ट दे रहे हो, उसको गाइड कर रहे हो, उसको इस जोन ऑफ प्रोक्सीमल डेवलपमेंट में लाने के लिए। ठीक है, MQO काम करता है स्क्रैप फोल्ड, मतलब MQO अगर उसे सहायता दे रहा है, स्क्रैप फोल्ड कर रहा है, सहायता देने को स्क्रैप फोल्ड करना कह रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे हो। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अब स्क्रैप फोल्डिंग करना, अपने बच्चा, ये छोटा बच्चा है, ये ट्राई साइकिल चला सकते हैं, लेकिन दो पहिए वाली साइकिल इससे मुश्किल, मतलब डर लगता है चलाने में, बट ये कैपेबल है। तो जो इनके टीचर है, इनके पेरेंट है, ये इसको हेल्प देंगे, टेम्प्रेरी हेल्प, ये साइकिल चलाएंगे कहीं खुले में, वहाँ पे इनको पीछे से इनको बैलेंस करेंगे, बैलेंस करके इनको चलाएंगे थोड़ी देर के लिए। बच्चा बोलेगा प्लीज़ छोड़ना मत, ठीक है, लेकिन जब ये थोड़ा आगे चल जाएगा तो ये पेरेंट, ये टेम्प्रेरी हेल्प को हटा लिया जाएगा, बच्चा खुद ही साइकिल को ड्राइव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, अब देख रहे हो इसमें ये टेम्प्रेरी हेल्प दे रहे हैं, और ये MQO कौन है, ये जो बड़े आदमी हैं, ये MQO है। ठीक है, और ये टेम्प्रेरी हेल्प दे के इनको क्या कर रहे हैं, सिखा रहे कुछ। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो हमारे जो फिजिकल जो क्लासरूम है, इनका कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। अरेंज स्टूडेंट डेस्क इन क्लस्टर, मतलब जैसे देखो, ये देख रहे हो, बच्चों की डेस्क को ऐसे अरेंज करना चाहिए कि हर किसी को
इंटरेक्ट करने का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है। बीच में हमारा मटेरियल रखा हो, चारों तरफ उसके स्टूडेंट बैठे हो, यहाँ पे एक फैसिलिटेटर या गाइडर या MKO बैठा हो जो हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, इसमें लिखा है अरेंज स्टूडेंट डेस्क इन क्लस्टर, सेकंड है अरेंज अदर वर्क स्पेस फॉर द पीयर इंस्ट्रक्शन कोलेबोरेशन एंड स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन, थर्ड है द प्रोमोट्स लैंग्वेज सोशल इंट्रैक्शन एंड लिसनिंग फ्रॉम अदर्स। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं स्कैफोल्डिंग स्ट्रेटेजी। स्कैफोल्डिंग बेसिकली बच्चों को इस तरह से मोटिवेट करना है या उनको इस तरह से हेल्प देना कि बच्चों को लगे कि हाँ यार मतलब बहुत ईजी काम है, मैं कर सकता हूँ, मतलब ZPD में जाना इतना मुश्किल भी नहीं है। बच्चों को मोटिवेट करना, मोटिवेट द चाइल्ड्स इंटरेस्ट इन टास्क, सेकेंड है ब्रेक द टास्क, मतलब जो हमारा टास्क दिया, जो एक्टिविटी दिया उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेना या हर बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज दे देना छोटे छोटे, मतलब उनको अलॉट कर देना कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, तो बच्चे को इजी लगेगा काम करना, उस जोन में जाने के लिए बच्चे के लिए इजी रहेगा। थर्ड है प्रोवाइड सेम डायरेक्शन टू कीप द चाइल्ड फोकस, बच्चे को ऐसा काम दो मतलब उससे डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। रिड्यूस द फैक्टर द कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, एंड फिफ्थ है द मॉडल एंड डिफाइन द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्टिविटीज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो लेसन कंटेंट है, लेसन कंटेंट क्रिएट लेसन दैट एंगेज द स्टूडेंट इंटरेस्ट एंड गिव देम बेसिक ऑफ लैंग्वेज व्हेन सोशली इंटरेक्ट। बच्चों को इस तरह से बच्चों की बुक डिज़ाइन या कंटेंट इस तरह से हमें सेट करना चाहिए कि ये बेसिकली इंप्लीकेशन है ऑफ वाइगोसी की थ्योरी कि बच्चों की बुक को इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए कि उनको जो अपॉर्चुनिटी मिले सोशल इंटरेक्शन की वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ठीक है, वो एक दूसरे से ज़्यादा इंटरेक्ट करें और इंटरेक्शन से वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, ठीक है। जो उनकी बुक है वो एक टेक्नोलॉजी और हैंड ऑन एक्सपीरियंस, जो हैंड जो कहते हैं ना लर्निंग बाय डूइंग, हैंड इज़ द बेस्ट टीचर ऑफ स्टूडेंट्स या चाइल्ड, जो हाथों से बच्चे काम करते हैं ना लर्निंग बाय डूइंग सीखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है बच्चों के लिए, तो हमें उसमें टेक्नोलॉजी और उन चीज़ों को भी एंगेज करना चाहिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो, सो आप अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। सो आज हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।